किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोसी सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेगी। आप ज्यादा तेज मत बोलिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बोलिए। पप्पू जी गिरिराज सिंह कोसी सीमांचल में कह रहा हूँ कि इस जहरीली शराब को रोको, और जब लगातार शराब के इश्यूज को लेकर के आपकी मंशा है कि आम आदमी तक शराब ना जाए, तो पहले आपने ही खोला, पहले आपने ही 500 पहुंचाए, 6000 दुकान खोले और जहरीली शराब से लोग जेल में गए, इंग्लिश शराब पी करके लगभग जो जेल में नहीं गए, और जो लोग इंग्लिश शराब बेचे उन लोग कितना गए जेल में आप उठा के देख लीजिए, और वो लोग बाहर में है, जेल में नहीं है, किसी को सजा आज तक नहीं हुई, किसी एक्साइज को सजा नहीं हुई। और सत्ता में तो आप भी थे ना भाई, आपके समय में भी सत्ता में हुआ, आप हमको बता दीजिए। आप तो सब लोग गायब हो जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, विजय सिन्हा जी कभी कहते हैं कुछ, आरजेडी कोई कहता है कुछ, कोई कहता है सत्ता पक्ष, कैसे आरोप लगाओगे? सत्ता पक्ष में आप थे तब जहर नहीं था, आज जहर हो गया, तो जहर तो दोनों समय था ना हो। और आपका घर है, आप गए क्यों नहीं? आप लोगों के पास पैसा नहीं है? कौन नेता के पास पैसा नहीं है? बाढ़ में आपके पास पैसा नहीं था? हेलीकॉप्टर के लिए पैसा होता है चुनाव में, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा होता है, मीडिया को पैसा देकर के न्यूज चलवाने के लिए पैसा करोड़ों होता है, और गरीब को पैसा देने के लिए नहीं होता है? आप हमको बताइए जरा, क्यों नहीं गए सीमान, क्यों नहीं गए बाढ़ में? जब आप आए विदेश से तो आप क्यों नहीं गए? चार दिन के बाद आए सत्ता के लोग, एक बार हेलीकॉप्टर से गए, उसके बाद गायब हो गए, आज तक 7000 रुपया नहीं मिला, किसी को राशन नहीं मिली, तो बर्बाद तो हो गए लोग। तो इसीलिए बहुत क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं है भैया, मैं साफ हूं, तमिलनाडु और केरल के तट पर पॉलिसी बने, पॉलिसी चेंज हो, और 5 स्टार 4 स्टार में आप शराब जैसी चीजों को, इंग्लिश शराब को आप लाइए, ताकि हमारा बिजनेस टर्म्स को बढ़ावा मिले, बिजनेसमैन यहाँ आवे, यहाँ रहे, हमारे होटल चीजों को बढ़ावा मिले। आप शहर में एक ही लाइए, आप 70% टैक्स कर दीजिए, ताकि कोई आम आदमी शराब नहीं खरीद सके, यही तो मैं कह रहा हूँ भैया। हिंदू तो सनातन की बात, तो राम है, कृष्ण शिव से चले आ रहा है, और राम हमारे गौरवशाली परंपरा के प्रतीक है, कृष्ण हमारे गौरवशाली इतिहास के क्रांति के प्रतीक है,